गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11th हिंदी मीडियम, क्लास 11th हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री फर्स्ट, अकार्बनिक रसायन, और टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, और जिसके पार्ट नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं, और हमने 10 नंबर पार्ट के अंदर शुरुआत की थी रासायनिक संयोजन के कुछ नियमों की बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम। केमिकल रिएक्शन होती है, कई परमाणु या अणु मिलकर के कंपाउंड का निर्माण करते हैं, कुछ परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, कुछ अणु मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं, तो क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसलिए इन नियमों को बोला जाता है रासायनिक संयोजन का नियम। और जिसमें हमने पहले नियम की बात की, और पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस पर हमारी चर्चा हो गई थी कि रिएक्शन कैसे ही करवाई जाए, किस कैसे ही भौतिक अवस्था चेंज की जाए, कैसे ही फिजिकल अवस्था चेंज की जाए, कैसे ही रासायनिक अवस्था चेंज की जाए, चाहे फिजिकल चेंज आओ चाहे केमिकल चेंज आओ, द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहेगा। फिर उसके बाद में दूसरा नियम आता है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, स्थिर आयतन का नियम। स्थिर आयतन का नियम, सॉरी स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, या स्थिर संगठन का नियम, या स्थिर संगठन का नियम। तो दूसरे नियम की हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कैसे शो करेंगे, स्थिर अवस्था में शो होंगी, ठीक है ना। तो देखिए, स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम, हम कोई भी दो परमाणु को जोड़कर या कोई भी दो अणु को जोड़कर क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, और यौगिक का निर्माण करेंगे तो उसके अंदर जो अणु या परमाणु जो होते हैं उनका अनुपात क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। अनुपात क्या रहेगा भाई, स्थिर रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे या संगठन भी स्थिर रहता है, जैसे H2O है हमारे पास, क्या है H2O है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है 2, और ऑक्सीजन का कितना है 16, काट दोगे 1:8 आ जाएगा, किसका आ गया, वाटर का। अब देखो, आप वाटर को कहाँ से प्राप्त कर रहे हो, समुद्र से प्राप्त कर रहे हो, तालाब से प्राप्त कर रहे हो, नदी से प्राप्त कर रहे हो, या मटके से प्राप्त कर रहा हो, क्या फर्क पड़ता है, या लैब में टूंटी से प्राप्त कर रहे हो वाटर को, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब उसके अंदर जो परमाणु है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो परमाणु है उनका अनुपात क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। वाटर का फॉर्मूला यही रहेगा और अनुपात यही रहेगा, इसीलिए इस नियम को बोला जाता है स्थिर अनुपात का नियम। और इस नियम को किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इन्होंने कहा था कि इस नियम के अनुसार अगर हम दो किसी अणुओं का संयोजन करवा करके कोई यौगिक बनाते हैं, तो उसके अंदर इन दोनों अणुओं का या परमाणुओं का जो अनुपात होता है वो स्थिर रहता है। जैसे CO2 कैसे बनी है, कार्बन और हाइड्रोजन से, कार्बन का कितना है 12 और ऑक्सीजन का कितना है 32, काट दो ये 6 आ जाएगा, इसको काट दो ये 16 आ जाएगा, इसको काट दो 2 आ जाएगा, और इसको 3 आ जाएगा,
और इसको काट तो 8 आ जाएगा। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ही प्राप्त करें, रिएक्शन करवा करके उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात 3:8 ही रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो ये था हमारा स्थिर अनुपात का नियम जिसकी चर्चा की हमने। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं अपने, और क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि 6.488 ग्राम सीसा क्या होता है, पीबी लेड, और 1.02 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करने पर लेड परोक्साइड PbO2 प्राप्त होता है। पीबी क्या है, सीसा, और सीसे के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, PbO2 बनाता है। क्या करवा रहे हैं, संयोजन करवा रहे हैं। कौन सा संयोजन करवा रहे हैं, रासायनिक संयोजन। यहाँ हमारे पास सीसा है, ऑक्सीजन है, और यहाँ लेड परोक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रासायनिक संयोजन के नियम का पालन हो रहा है और हम स्थिर अनुपात नियम को हमें सिद्ध करना है। इसी प्रकार लेड परोक्साइड और लेड नाइट्रेट को भी गर्म करके हम प्राप्त कर सकते हैं, लेड नाइट्रेट को भी गर्म करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन की परसेंट मात्रा कितनी है, 13.38% ऑक्सीजन है। तो हमें क्या करना है, इस अनुपात को सिद्ध करना है इस रिएक्शन के द्वारा। इस अनुपात को क्या करना है, अपने सिद्ध करना है। तो ऑक्सीजन का अनुपात स्थिर रहेगा, ऑक्सीजन की परसेंटेज मात्रा है वो स्थिर रहेगी। हमें क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन भी दिया और आंसर भी दिया, हमें 13.38% ही तो निकालना है। क्वेश्चन भी दिया है, आंसर भी दिया है। तो हमने क्या किया, लेड ले लिया, ऑक्सीजन ले ली, इतनी लेड की मात्रा कितनी है, 6.488 ग्राम, और ऑक्सीजन की मात्रा 1.002 ग्राम, ये क्वेश्चन में दी हुई है। दोनों को जोड़ करके हम लेड परोक्साइड की बना देंगे, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 6.488 और 1.002 जोड़ लो, 10, 8, 1, 9, 4 और 7 कितनी आ गई मात्रा, 7.490 ग्राम। लेड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, इतनी मात्रा आ गई। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि PbO2 लेड परोक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा होती है कितनी है भाई, 1.002 ग्राम। कितनी है, 1.02 ग्राम। एक लेड परोक्साइड एक में कितनी हो जाएगी, 1.002 बटा में लेड परोक्साइड, यानी कि अपने ऐसे कह सकते हैं कि 7.490 ग्राम लेड परोक्साइड में इतनी मात्रा है। तो 1 ग्राम लेड परोक्साइड में कितनी हो जाएगी, बटा में क्या कर देंगे, 7.490, और 100 ग्राम में, क्योंकि 100 ग्राम मानकर ही चल रहे हम, तो 100 ग्राम में कितनी हो जाएगी, इंटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस दशमलव को हटाओगे नीचे 1000 लग जाएगा, इस दशमलव को हटाओगे ऊपर 1000 लग जाएगा, 1000 से कैंसिल आ जाएगा, 1002 बटा में 7490 इंटू में 100, ठीक है। इसको हल कर सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा बटा में 7490। अब इसको डिवाइड करोगे ना, तो आप करके देख लेना, इतना आएगा 3, 7, 9,
3779 लगभग इतना आएगा, तो हम इसको 13.38% रख सकते हैं। तो ऑक्सीजन की मात्रा आ गई ना इतनी, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि ये क्या कर रहा है, स्थिर अनुपात के नियम का पालन कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? स्थिर अनुपात के नियम का पालन कर रहा है। इसके साथ ही हमारे ये दो नियम तो कंप्लीट होते हैं। तीसरा नियम आता है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम वो पहले वाला था स्थिर अनुपात का नियम, ये क्या है गुणित अनुपात का नियम दिया था डोल्टन ने, दिया किसने? डोल्टन ने, और वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने सत्यापित किया था इसको, वर्जिलियस ने सत्यापित किया। तो देखिए जोसेफ प्राउस्ट ने जब स्थिर अनुपात का नियम दिया तो उसने ये तो सिद्ध कर ही दिया कि प्रत्येक अणु या परमाणु जब संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है और उसके अंदर मात्रा स्थिर रहती है। फिर उसके बाद में डोल्टन ने ये नियम दिया, बर्जिलियस ने सत्यापित किया। इन्होंने ये कहा कि हमेशा ही कोई जरूरी तो नहीं कि दो ही अणु से एक ही कंपाउंड बने। मान लो हम स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार हमने H2 और O2 की रिएक्शन करवा करके क्या बना दिया, H2O बना दिया। क्या बना दिया भाई? H2O बना दिया, ठीक है, तो ऑफ H2। लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है कि एक ही यौगिक बने भाई, H2 और O2 की रिएक्शन करवा के जल ही बने, ये कोई जरूरी नहीं है। मान लो H2 और O2 का संयोजन करवा करके हम एक से अधिक यौगिक बना लेंगे तब हम क्या कहेंगे? अब देखिए H2 और O2 की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर H2O2 भी बनता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन करवाकर हम दो कंपाउंड बना रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, स्थिर अनुपात के नियम को कैसे लागू करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, गुणित अनुपात का नियम लागू होता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोजन करके दो कंपाउंड बना रहे हैं, दो यौगिक बना रहे हैं, तो उस टाइम गुणित अनुपात का नियम लागू होता है। और इस नियम के अनुसार ये कहा जाता है कि जब दो अणु आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर एक परमाणु, एक अणु या परमाणु का जो द्रव्यमान है वो तो निश्चित रहता है और दूसरे का एक गुणित अनुपात में पाया जाता है, दूसरे का जो द्रव्यमान होता है वो गुणित अनुपात में पाया जाता है। देखिए हाइड्रोजन का यहाँ कितना है 2 ग्राम, इसका 16 ग्राम और बन कितना रहा है 32 ग्राम, सॉरी 2 + 16 = 18 ग्राम। बनने से हमें कोई मतलब नियम यहाँ से देखना है, ये 2 ग्राम और ये कितना आ गया 32 ग्राम, ठीक है। आगे 2 = 32 = 34 ग्राम बन रहा है, 2 × 3 = 16 × 32 = 34, 32 × 2 = 34, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ये भाग ले रहा है, ये भाग ले रहा है, ये भाग ले कर दो कंपाउंड बना रहे, तो यहाँ पर ये नियम कहता है कि एक अणु का तो अनुपात क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, अनुपात क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, मतलब अनुपात निश्चित होगा, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं द्रव्यमान निश्चित होगा, एक अणु का तो द्रव्यमान निश्चित होगा।
तो यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर क्या है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान तो क्या है, निश्चित है, 2 ग्राम इसका है, 2 ग्राम इसका है, लेकिन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का द्रव्यमान निश्चित नहीं है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान निश्चित नहीं है। तो फिर ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अंदर क्या पाया जाएगा, गुणित अनुपात पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, गुणित अनुपात पाया जाएगा, और इसका गुणित अनुपात जो होता है वो ये है 16:32, और ये अनुपात क्या आ गया, 1:2। तो इस प्रकार से गुणित अनुपात पाए जाएंगे, मतलब आगे से आगे गुणा होती रहेगी, मतलब आगे से आगे ऐसे गुणित होते रहेंगे। तो इसीलिए इस नियम को बोला जाता है गुणित अनुपात का नियम, क्या बोला जाता है भी, गुणित अनुपात का नियम। एग्जाम्पल नियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा करके हम 5 प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो पहला तो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको बुलाते हैं N2O। दूसरा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड कितना होता है, यहां भी देख लो आप, ये 2 ग्राम है, ये 16 ग्राम है, ये 2 ग्राम है और ये 32 ग्राम है, इससे भी निकाल सकते हैं अपने। नाइट्रिक एसिड 2NO, फिर है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन 5 प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड ये होता है N2O3, क्या होता है N2O3, ठीक है। फिर होता है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ये होता है N2O4, और एक बनता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो बनता है N2O5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और यहाँ कंपाउंड के नाम, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर पहला बन रहा है, पहला है N2, तो ये कितना है 28 और ये 16 ग्राम, ये 28 ग्राम, ठीक है। दूसरा है 2NO जिसके अंदर ये भी 28 ग्राम और ये 32 ग्राम। तीसरा बन रहा है N2O3, ये 28 ग्राम और ये 48 ग्राम, और ये N2O4, ये 28 ग्राम और ये 64 ग्राम, और N2O5 ये 28 ग्राम और ये 80 ग्राम। तो कई बार पेपर में ये पूछ लिया जाता है, कंपटीशन एग्जाम में तो ये पूछते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो बनते हैं 5 टाइप के, वह कौन से नियम का पालन करता है, तो गुणित अनुपात का नियम हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके 5 प्रकार के यौगिक बनाते हैं, और ये 5 प्रकार के यौगिक हैं जिसके अंदर आप देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये सारे प्रकार के ऑक्साइड देख रहे हो। इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा तो क्या है 28 ग्राम है, लेकिन ऑक्सीजन 16, 32, 48, 64 और 80। तो 16, 32, 48, 64 और 80 ग्राम है, यहाँ ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल 16, यहाँ 2 हो गए, 32 यहाँ 3 हो गए, 48 हो गए, 4 हो गए, तो 64 हो गए, 5 हो गए तो 80 हो गए, और 16 से काट दो तो 1:2:3:4:5 आ जाएगा। तो ये क्या एक गुणित अनुपात है, इसीलिए ये गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है।
तो सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन करके वाटर बनाता है और हाइड्रोजन परोक्साइड बनाता है। अनुपात देखते हैं तो द्रव्यमान हाइड्रोजन का तो निश्चित रहता है, लेकिन ऑक्सीजन का द्रव्यमान निश्चित नहीं रहता, किस फॉर्म में रहता है? गुणित अनुपात के नियम में। और इसी प्रकार नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड बनाते हैं, उसमें नाइट्रोजन का द्रव्यमान तो निश्चित है, सबके अंदर 28-28 ग्राम आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का द्रव्यमान निश्चित नहीं है। और ऑक्सीजन के द्रव्यमान की अगर बात करते हैं तो इनके अंदर एक गुणित अनुपात पाया जाता है, इसलिए इस नियम को बोला जाता है गुणित अनुपात का नियम। इसके अंदर हम एक और भी बना सकते हैं, एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ कार्बन तो 12 ग्राम है और ऑक्सीजन क्या है? 16 ग्राम है। और यहाँ कार्बन 12 ग्राम है और ऑक्सीजन 32 ग्राम है, तो कार्बन की मात्रा तो क्या है, या कार्बन का द्रव्यमान तो क्या है? निश्चित है। कार्बन का द्रव्यमान तो निश्चित है, लेकिन ऑक्सीजन का द्रव्यमान निश्चित नहीं है। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अंदर एक गुणित अनुपात पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गुणित अनुपात पाया जाता है। और गुणित अनुपात जब पाया जाता है तो इसके अंदर ये 16 और ये 32 ग्राम क्या है? 16 और 32 ग्राम 1:2, तो इसके अंदर 1:2 पाया जाएगा जो गुणित अनुपात होगा। इसीलिए इस नियम को बोला जाता है गुणित अनुपात का नियम। ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिएक्शन करके जल और हाइड्रोजन परोक्साइड बनाते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड बनाते हैं, जिनका अनुपात ये पाया जाता है। और इसी प्रकार कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जिनका अनुपात भी गुणित फॉर्म में पाया जाता है। इसलिए इस नियम को बोला जाता है गुणित अनुपात का नियम। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।